फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इन दिनों गणेश उत्सव की धूम चल रही है। ऐसे में घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे या अभी से स्टार्ट कर देंगे वो उपाय करने, तो आपकी कोई भी ऐसी विश नहीं है जो पूरी ना हो। सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान गणेश सारे विघ्न दूर करेंगे। वैसे भी उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, सारे विघ्न दूर करते हैं अपने भक्तों के। तो इन दिनों को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। इन दिनों में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ हमारे यूनिवर्स में घूम रही होती हैं, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ घूम रही होती हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जिससे कि हमारी विशेस बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और जो भी हमारी रुकावटें हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अगर हमने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करी, तो सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने करना क्या है? अभी गणेश उत्सव चल रहा है, अगर आपने गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में नहीं स्थापित की है तो ज़रूर करें, बहुत अच्छा होगा। उनकी विधि विधान से पूजा करें। अभी मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय, अगर आपने किसी भी दिन कर लिया, गणेश उत्सव के किसी भी दिन कर लिया या फिर जिस दिन विसर्जन करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आपने ये कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आप करोड़पति बनेंगे, पैसे की बरसात होगी आपके घर में। बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। आपने करना क्या है, किसी भी दिन आप कर सकते हो, आज कर लो, कल कर लो, या आप अनंत चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हो। आपने एक सुपारी लेनी है, एक लाल कलावा लेना है। सुपारी के ऊपर आपने लाल कलावा को बांध देना है और फिर उस पर गंगा जल के छींटे मारने हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, गणेश जी के चरणों से सिंदूर निकाल के उसके ऊपर लगा देना है, कलावा और सुपारी के ऊपर सिंदूर लगा देना है। फिर आपने उनके चरणों में ही उसको रख के और आपने ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है, ठीक है। और 108 बार जाप करते टाइम आपने ये मन ही मन ये प्रे करनी है कि आपकी पैसे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपके घर में धन आना शुरू हो जाए, आप धीरे धीरे धनवान बनते जा रहे हो, अमीर बनते जा रहे हो, पैसे आ रहे हैं आपके पास, पैसे टिक रहे हैं आपके घर में, बेफिजूल के खर्चे सब बंद हो रहे हैं। ये चीज़ें आपने सोचनी है जब आप मंत्र जाप करोगे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। उसके बाद आप जब ये कर लोगे, अगर आप ये आज से स्टार्ट करोगे तो आप ये वही रखे रहने दें जिस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन तक, आप वो सुपारी जिस पे कलावा बंधा हुआ है वो गणेश जी के चरणों में ही रखे रहने दें। और अनंत चतुर्दशी के दिन आपने क्या करना है, पूजा पाठ करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद आपने उसको उठा के अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में रख देना है। कभी भी आपको ज़िंदगी में पैसे की तंगी नहीं होगी, आपके पास पैसे आने लगेंगे, इनकम के सोर्सेज बनेंगे, आपके आमदनी के सोर्सेज बनेंगे और पैसे टिकेंगे घर में, पैसे की बरसात होगी, कैसे भी करके इनकम के सोर्सेज बनेंगे। बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, ये ज़रूर करिए, करोड़पति बनेंगे, अमीर बनेंगे, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच्चे मन से करेंगे, डाउट के साथ नहीं करेंगे। विधि विधान से पूजा करें भगवान श्री गणेश की और ओम गंग गणपते नमः, इसका डेली सुबह मंत्र जाप करें उठते ही, बहुत अच्छा होगा। भगवान सारी आपके भगवान गणपति सारे विघ्न दूर कर देंगे आपके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।